this side. ऑटो से आए? ऑटो से आए क्या? डैडी क्या लाए? डैडी सामान। इसको छूना नहीं है। सबसे पहले ये सब वॉश होगा, उसके बाद आपको टच करना है। वो बॉटल हटा लीजिए वहां से, बस किचन में रख दीजिए। गो। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी है, एक्चुअली वो कल की थी, कल मॉर्निंग की। हमारे घर में आटा खत्म हो चुका था, तो वर्मा जी कल आटा लेकर के आए थे और साथ ही में कुछ और भी सामान ले आए थे, क्योंकि जब डी मार्ट जाओ तो फिर आपको और भी चार चीज़ें दिख जाती है ना, तो आपको लगता है आप ये भी ले लो वो भी ले लो। तो वही हुआ था कि वर्मा जी ने और भी बहुत सारा सामान लेकर के आए थे, अभी मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आपने जो क्लिप देखी वो मंडे मॉर्निंग की थी। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है ट्यूसडे से इवनिंग से, लेकिन ये क्लिप मैं स्टार्टिंग में लगा दे रही हूँ। सबसे पहले आपका वेलकम कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद दिन रूटीन जो सारा दिन मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सारा दिन आज मैंने क्या क्या किया। अभी 4:45 हो रहे हैं, अभी जस्ट मैं ग्रीन टी पी करके बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ। तो चलिए पहले आप सुबह का रूटीन देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको अपना इवनिंग की आपसे बातें करती हूँ और इवनिंग रूटीन दिखाती हूँ। तो चलिए पहले आप व्लॉग देख लीजिए। तो मैंने यहाँ सारा सामान जो है वो वॉश कर दिया था, नेक्स्ट डे ही सारा सामान मैंने छुआ है। एक दिन वो सारा जितना सामान था वो क्वारंटाइन ही रखा था, और यहाँ मैंने सब कुछ वॉश कर दिया है अच्छे से धुल करके, और अब जब ये सूख गया है तब मैं इसको पोंछ रही हूँ। मतलब थोड़ा बहुत पानी लगा ही रह जाता है, तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, कपड़े से वाइप कर दूँगी, उसके बाद मैं सबको सबकी जगह पर सेट करूँगी। अब आप हो सकता है कुछ लोग सोचें कि मैं इतना ज़्यादा क्यों धुल रही हूँ, क्यों पोंछ रही हूँ, तो देखो भाई मैं फिर से कहना चाहूँगी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। आप लोग जितनी सुरक्षा अपनी कर सकते हैं खुद करिए। और मुंबई का अगर आपको हाल पता होगा तो शायद आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि आप लोग इतना क्यों प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इतना क्यों धुल रहे हैं, क्यों वॉश कर रहे हैं। तो बस आप अगर मुंबई की हालत जानते होंगे तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। न्यूज़ देखा करिए प्लीज़। तो दालें मैंने भर दी है, ये देखिए, ये है बाजरी का आटा, ये है नाचनी और ये है ज्वारी, ठीक है। और बाकी मेरे पास थाली पीट आटा रखा हुआ है और सादा आटा भी वर्मा जी ले आए हैं। तो अब मैं सबसे पहले इन तीनों पैकेटों को एक साथ डिब्बे में भर लूँगी। जब भी मुझे रोटियाँ बनानी होती हैं तो मैं तीनों का आटा ऐसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसके बाद रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी आटे में इस तरह के अलग अलग ग्रेन्स जो हैं वो मिला के तब बना सकते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि ज्वार बाजरा और चने का आटा हम लोग के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब कितना फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मल आटे में इतने ज़्यादा गुण नहीं होते हैं जितने कि इन सब आटों में होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सारे आटे एक साथ मिक्स करके ही रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आटे जो हैं वो मिला लिए हैं और अब इसको मैं रख दूँगी। जब भी मुझे आटा सानना होगा तो बस मैं इसमें से निकाल करके अपना बस आटा सान लेती हूँ। तो यहाँ पे पीहू के लिए कलर बुक और कलर्स भी पीहू के डैडी लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं उसको करवाती हूँ कलर। तो ये पीहू का फादर्स डे का रिटर्न गिफ्ट भी हो गया है और वो बहुत खुश है, देखिएगा अभी आप उसको। ये आपके लिए डैडी नया नया लेके आए हैं। क्या चीज़ है? कलर बुक है और ये कलर्स हैं। चलिए देखें जरा क्या है। सबसे पहले ओपन करिए बुक। छोड़ो, ये क्या है? ये गर्ल, गर्ल है ना। तो अभी नेक्स्ट क्या है? वाओ, इसमें तो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल हैं? काउंट करो। वेरी गुड, थ्री गर्ल्स हैं। अरे वाह, तो हम लोग इसको कलर करेंगे और खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। पहले नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। Thank you.
हेयर कौन से कलर के हैं? ब्लैक कलर के। तो हम लोग पहले ब्लैक कलर यूज करेंगे, फिर हेयर में करना है, हेयर के बाद। को काउंट करके इस बॉक्स में रखते जाइए। बताइए जरा काउंट करके। वेरी गुड। हाँ अंदर डालती जाइए। हाँ वेरी गुड। हाँ 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 सिक्स वेरी गुड तो यहाँ पीहू के कलर तो हो गया है, कलरिंग उसने कर ली है और अब मैं उसको खेल खेल में ही काउंटिंग भी फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि चलो काउंट करते हैं। खेल खेल में इस तरह से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अब ये मैं इसको सोच रही हूँ अब जोड़ घटाना यानी कि ऐड करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से ऐड करते हैं, उसको कलर्स दे करके उसके थ्रू सिखाना शुरू करूंगी। तो देखिए उसने सारे कलर्स जो है अपने सेट कर लिए हैं रखने के लिए। पीहू ने भी अपनी ड्राइंग इतनी बनाई है, कंप्लीट करी है। अभी हम लोग शाम को करेंगे, ठीक है? ओके पीहू, चलो बाय करो। बाय। इवनिंग का रूटीन वही जैसे नॉर्मल होता है वही मैं कर रही थी, डेली का ही होता है। सो के शाम को जब पीहू उठती है तो उसके बाद थोड़ा सा घर वर क्लीन कर लो तो अच्छा लगता है, वही सब मैंने किया है। और सुबह आपने देखा ही मैंने कढ़ी बनाई थी, तो उसकी फुल रेसिपी नहीं रिकॉर्ड करी क्योंकि बहुत बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए फिर मैंने पूरा नहीं शेयर किया। और वही था कढ़ी चावल रोटी, वही हम लोगों का लंच हुआ। और बस अभी शाम हो चुकी है, चाय वाय पी के बैठे हुए हैं, पीहू भी उठ गई है। अब मैं उसको दूध गर्म करके दूंगी और फिर वो जल्दी से फटाफट पिएगी, फिर शाम को छत पे जाएंगे। तो एक मेरी कॉल आ गई थी तो मैं बात करने लगी थी, बात हो गई है। और बस अब मैं अपना शाम को आज बनाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ सरप्राइज है, तो वीडियो के ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा कि आज मैं लंच में क्या डिनर में क्या बनाने वाली हूँ। और पता है कल ना मैंने थोड़े थोड़े बाल हेयर कट करे, मतलब अपना जो नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो लास्ट टाइम देखा था ना आपने वर्मा जी ने मेरा हेयर कट किया था, नहीं देखा है तो वो व्लॉग देखिएगा। तो मैंने फिर से उनसे ही नीचे से ट्रिम करवाया है, थोड़ा थोड़ा ही ट्रिम करवाया है। और अपने आगे के तो हेयर कट मैंने खुद ही कर लिए, कल दिखाया मैंने, रिकॉर्ड नहीं किया बट मैंने कल अपना हेयर कट खुद से ही आगे का फ्लिक्स वाला किया है तो वो ठीक हो गया है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना तो वो मैं कर लेती हूँ अपने आप से। अभी अभी जस्ट मेरा लाइम रोड वाला जो ऑर्डर था वो पिकअप होने वाला है तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और ये लाइम रोड वाला प्रोडक्ट जो है वो उनका फ़ोन आ गया था तो वो बोल रहे हैं कि आप देने आ जाओ, तो बस मैं जाती हूँ दे करके आती हूँ और देखते हैं फिर क्या नया ऑर्डर करना है। आती हूँ तो चलिए चलते हैं नीचे और जल्दी से वापस करके आते हैं।
कर चुके हैं और अभी चलते हैं जल्दी से ऊपर। पेहू ऊपर ही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं मुझे। देखा था आपने ऊपर से? यस यस यू आर राइट। तो मैंने उसको दे दिया है और वो लेके चले गए हैं, बट अब देखो कि उसका पैसा जो है वो कब तक रिम्बर्स होता है, क्योंकि हाँ मैंने हैंड वॉश कर लिया। तो अब देखिए कि वो पैसा कब आता है, जब पैसे आ जाएंगे तभी मैं दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगी, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा लेट है। तो पता नहीं कब आएगा पैसा और फिर कब हम उसको नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अभी हम लोग छत से ऊपर से आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पे अपना डिनर तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं बना रही हूँ आज शेजवान इंस्टेंट नूडल। जी हाँ, मेरे को एक कमेंट आया था कि आप मैगी की रेसिपी शेयर करिए, तो ये मैगी ही है बट इसमें इंस्टेंट नूडल लिखा है, तो मैं इसको मैगी की तरह ही बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ चॉप करके रखी हैं आपने देखा। और यहाँ मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं गार्लिक जिंजर वाला पेस्ट डाल दूँगी, प्याज मैंने भून लिया है। तो बहुत ही ईजी तरीके से बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल है। जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं आप उन्हें कट करके चॉप करके रख लीजिए, प्याज डाला है उसके बाद गार्लिक जिंजर डाल के पेस्ट डाल दीजिए, और आप चाहें तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। मेरे पास कुछ इतनी सब्जियां हैं जिसमें कि शिमला मिर्च है, पनीर है, स्वीट कॉर्न है, मशरूम है और पत्ता गोभी है, गाजर है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, वो सब भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो इंस्टेंट नूडल है, आप बस पानी में गर्म करिए और खा लीजिए, इसका जो शेजवान इसके अंदर वो है ना मसाला वो भी बहुत अच्छा है, बट मैं इसको थोड़ा सा अपने ट्विस्ट दे रही हूँ, मतलब अपना धड़का लगा रही हूँ, तो बस उसी तरह इसको मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे टमाटर नहीं डाल रही हूँ, तो वर्मा जी बोल रहे थे तुम्हारी ये बहुत गंदी आदत है तुम इस पे टमाटर नहीं डाल रही हो, तो मैंने उनसे कहा कि वो शादी से पहले आपको ये सब गंदी आदतें नहीं पता थी जो अब आप इस तरह से यहाँ मेरे को रोज़ सुनाते हैं। बस हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, दो लोग हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे करके आपको अपना टाइम कट करना ही होता है, काटना ही होता है। तो देखिए आपसे बात करते करते मैंने इसमें शेजवान सॉस डाला है और मैं अब डाल रही हूँ में ग्रीन चिली सॉस, और इसके पास डाल दूंगी टमाटो सॉस। आपके पास अगर सोया सॉस है तो आप वो भी डालिए, मेरे पास सोया सॉस ख़त्म हो चुका है, लास्ट टाइम जब मैंने नूडल्स बनाए थे उसमें भी मैंने सॉस नहीं डाला था सोया सॉस। तो ये देखिए अब मैंने उसका पाउच में जो रहता है ना सेजवान सॉस उसके अंदर रहता है वो भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे वर्मा जी डाल रहे थे सॉस जो हमारा है वो टमाटो सॉस जो है वो ख़त्म हो गया था, तो उसी को पूरा धुल करके वॉश करके हमने डाल दिया है जिससे कि यूज़ हो जाएगा। और अब नया पैकेट आ चुका है, उसको मैंने वॉश करके रखा है, कल के एक बाद से हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमने दो नूडल्स के इसके केक ले लिए हैं और अच्छे से क्रश नहीं किया है, थोड़ा क्रश है, थोड़ा पूरा का पूरा केक टाइप जो होता है ये नूडल्स वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस अब हमें इसको अच्छे से भाप में पका लेना है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डालूंगी जिससे कि ये ग्रेवी ग्रेवी वाला रहेगा तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा नूडल्स में। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल करके इसको ढक करके रख दूंगी और बस ये फिर भाप में पक जाएंगे और तैयार है हमारा यम्मी यम्मी मैगी नूडल्स, इंस्टेंट नूडल आप जो भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो देखिए मैंने अभी इसको खोला है और अब अच्छे से ये पक चुका है। चलिए अब हम लोग अपना गर्मा गर्म नूडल्स खाते हैं, और अभी भी मुझे पानी आ रहा है मुंह में, मेरे डकार आ रही है इसको देख करके। और इसी के साथ ये व्लॉग फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ कल, चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।